मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की, जहां पर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम हकीम खेड़ी में अवैध पत्थर बनाने वाली खदानों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अवैध रूप से संचालित सभी खदानों को बंद कर दिया है, साथ ही खदानों में मौजूद बोल्डर पत्थर और फर्सियों को जेसीबी मशीनों से नष्ट कर दिया। वन भूमि की इन अवैध खदानों पर पहुंचने वाले सभी मार्गों को भी विभाग ने बंद कर दिया है। बता दें कि अवैध खदानों पर कार्रवाई करने पहुंचे वन अमलों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें डिप्टी रेंजर लाल सिंह पूर्वी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद कलेक्टर अरविंद दुबे, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। पूरे मामले में कोतवाली पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ में मामला दर्ज किया, जिसमें 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 फरार चल रहे हैं। अच्छी प्रभावी कार्रवाई की गई है, लगभग 10-12 जेसीबी मशीनें और पुलिस 30-40 पुलिस के जवान और लगभग 40-50 फॉरेस्ट कांगड़ा, साथ में माइनिंग के अधिकारी और एसडीएम रायसेन वहां पे गए हैं। और जो अवैध खदानें चल रही हैं वहां पे, जिनमें ज़्यादा कदम वहाँ हकीम खेड़ी और आसपास के गांव वाले उसमें अवैध उत्खनन करते रहे हैं, तो उनको बंद कराया जा रहा है। और वहाँ पे आसपास जो भी ऐसी अवैध खदानें हैं उनको जेसीबी के माध्यम से बंद करा रहे हैं।